लगे हर नंदी का भात भरण नंदला बहुत अच्छे ओ लगे हर नंदी का भात भराणे नंदीलाल ओ लगे हर नंदी का भात भराणे नंदलाल ए भात भराणे नंदलाल ए भात भराणे नंदलाल लगे हर नंदी का भात भराणे नंदलाल लगे हर नंदी का भारी हो गई भीड़ महल में हर नर नारी का क्या बाबा जी बात वरेगा सुना बाग बिचारी का किया आरता हर नंदी ने नरसी और मुरारी का किया आरता हर नंदी ने नरसी और मुरारी का ये सबसे पहले हर नंदी को दखनी चीरी उड़ाया था हीरे मोती दिए भात में थाल छलकता आया था रथ में देख के हाथ श्याम ने मनसा सेठ बुलाया था रथ में देख के हाथ श्याम ने मनसा सेठ बुलाया था ये जो सामान लिखा परिचय में जो सामान लिखा परिचय में लेना आप समान लगे हर नंदी का भात भराणे नंदलाल लगे हर नंदी का भात भराणे नंदलाल रामा देवती नरसी जी की रामा देवती नरसी जी की शादी का सिंगार दिया बिछवे बाणी अजब निराली गणा करके प्यार दिया कणी मणि की भेंट दई मनसा का पानी तार दिया कणी मणि की भेंट दई मनसा का पानी तार दिया ए गोला मिश्री दास छुआरे सब 25 मन तोले दिए गुड़ शक्करी और खांड करारी के अलग पिटार खोले दिए काजू और अखरोट संभालो जो मन सातन बोले दिए काजू और अखरोट संभालो जो मन सातन बोले दिए ए 25 मन में दी ले लो रे 25 मन में दी ले लो हमें जाना से तत्काल लगे भात भराणे नंदलाल लगे हरणी का भराणे साथियों 25 मन लिख दिया कि भाई 25 मन हरी मिर्च लाना या लाल मिर्च लाना दाग छुआरे 25 मन खांड करारी 25 मन पता नहीं कितना उलझलूल सामान
उस चिट्ठी में उस पत्रिका में लिख करके भक्त नरसिंह के वहां पर भेज दिया। देने की तो दूर की बात साथियों, उस समय तो भक्त नरसिंह उसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि आदमी के पास में अगर जो धन है तो सब सही है, वरना बिगड़ी में किसी चीज का कोई मोल नहीं होता साथियों। बिगड़ी जो हुआ करती है, बिगड़ी में यार रिश्तेदार सगे संबंधी सब धोरा धर जाते हैं जी। बिगड़ी हालत में दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। भाइयों ने सारों ने मना कर दिया, सब नाट गए, क्योंकि पता था कि वहां नरसी के साथ में जाकर के तो केवल बेइज्जती करवानी है। इसके पाने में, इसके पास में एक छदाम भी एक थैली भी नहीं है जिससे ये भात भर सके। लेकिन साथियों वो सच्चा दीनानाथ श्री कृष्ण जी अपने भक्त के साथ था, क्योंकि इंसान की जब सब जगह से आस खत्म हो जाती है तो केवल उस परमात्मा की आस नजर आती है। जब ऊपर को नजर करके उस परमात्मा को ठहरता है कि हे मेरे मालिक, तुझसे बड़ी शक्ति इस दुनिया में नहीं है, अगर जब मेरी लाज को बचा सकता है तो तू। आप अपने पर घटा करके देख लीजिए इस बात को, अगर जो कोई बात बिगड़ जाए किसी आदमी के साथ में, कोई हालात ऐसे हो जाए परमात्मा ना करें, तो सब छात छोड़ देते हैं। जब उस परमात्मा को याद करता है कि मालिक तू ही मेरी नैया को पार कर सकता है, आज यही हालत साथियों भक्त नरसिंह की है। देने लेने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण जी जिन्होंने सारे जो भात की रस्म है, जो भी सामान लिखा है, वो डबल करके निपटाया। किस तरह नंबर तीन में क्या बताया, क्या कहा, कैसे पच्चीस मन सोना दे दिया ओ, पच्चीस मन सोना दे दिया, तियल रेशमी कई हजार, मिर्च मसाले सब चीजे थी जिनका लगा दिया बाजार। नरसी को कंगाल बतावे थे न्यू बतला रे सब नर नार, नरसी को कंगाल बतावे थे न्यू बतला रे सब नर नार। शाही देके ने फिर नेग जोग सब निबटाए, सोने के दो पत्थर लियो जो बड़ी सास ने मगेवाए, सोने के दो पत्थर लियो जो बड़ी समनर ने मगेवाए। अनोखा दिया नरसी ने सारा सिरसा हरसाया, ऊपर को करी नजर सामने सवा पहर सोना बरसाया, ऊपर को करी नजर सामने सवा पहर सोना बरसाया। ए सोना कोई सके रे घर पे कोई सकेर जाके बाटे, पनिहारी पन्ने घट पे सकेरे बनिया लोग सकेरे हाटे, तो भी सोचे गाट सकेरू सब ते दूने हो जा ठाटे, तो भी सोचे गाट सकेरू सब ते दूने हो जा ठाटे। एक कहावत सुनी होगी तुमने सभी ने कि धोबी घर का रहा ना घाट का। ये कहावत उसी समय से शुरू हुई है, भक्त नरसिंह के समय से ही।
हुआ ये था कि जब भक्त नरसी शहर में आए थे सिरसागढ़ में, हाँ, तो वहां से जैसे ही धोबी घाट से गुजरते हुए जा रहे थे रास्ते से, तो अल्फी थी। भक्त नरसी उस धोबी से कहने लगे कि भाई ये हमारी अल्फी है, इस अल्फी को आप धो दीजिए। तो मुंह चढ़ा लिया उस धोबी ने और ये कहा कि लेने के लिए देने के लिए कुछ नहीं है, इसकी अल्फी को मैं धो दूं। ऐसे साथियों ताना मार दिया भक्त नरसी को। संत बाणे में थे, भगत बाणे में थे, कोई बात नहीं भाई, तेरी मर्जी है भाई, ना धोनी तो तुझे मत धो, कोई दिक्कत नहीं। साथियों भक्त नरसी चले जाते हैं। उसी समय श्री कृष्ण जी ने देख लिया कि इसने मेरे भक्त की बेइज्जती की है। साथियों जिस टाइम सवा पहर सोना बरस रहा था सिरसागट के अंदर, तो धोबी ने यह सोचा कि घर का सोना तो घर में रहे, तू पहले एक काम कर, घाट के सकेर ले। हाँ। घाट के को सकेरले के लिए भग पड़े दोनों, धोबी और धोबण। गधा को लेके झेड़ फेड़ घाट पे पहुंचे, वहां जो पड़िहारी थी या कोई राहगीर लगा लीजिए, कोई भी जो निकलने वाला था, उसने देखा तो भाई ये तो यहां पे तो सोना बिखरा हुआ है, धोबी का एक घाट है। उस समूचे सोने को इकट्ठा करके उन पणिहारों ने, पणिहारी जो थी उन्होंने अपने मटकों में भरकर के, फिर पानी की किसे थी, फिर तो सोना बरस रहा, सोने को भर के मटकियों में और घर के लिए रवाना हो गई। वहां जाकर के जब देखा धोबी ने, तो वहां तो मामला खाली था, और इतने भग के घर की तरफ आया, इतने घर के माल को पड़ोसी ले गए। तो इसलिए ना धोबी घर का रहा ना घाट का, तो इसलिए वो धोबी घर घाट का नहीं रहा, क्योंकि उसने भक्त नरसी की बेइज्जती की थी, उसका अनादर किया था, तो उसको भी सबक सिखा दिया श्री कृष्ण जी ने। तो कैसे अंतिम कली में क्या बताया भला, अरे धोबी सोचे घाट सकेरू सब दे दूने हो जाट, धोबी सोचे घाट सकेरू सबसे दूने हो जाट।